Today we are going to start our new chapter, that is water. And in today's lecture, students, we are going to learn about what is water, the water cycle, properties of pure water, types of water, types of hardness, as well as where does the hardness in water comes from. As we all know, students, that water is the most abundant chemical substance on the earth. Almost 3/4 means 70% of the earth's surface is covered with water, and only 30% is land. अभी मैंने कहा students के water is a chemical substance. तो क्या इसका मतलब पानी एक chemical है? जी हाँ, बिल्कुल, पानी एक chemical substance है जो कि दो different gases के combination से बनता है, hydrogen and oxygen. और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O. जैसा कि आप यहाँ अपनी स्क्रीन पर वाटर का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि इसमें एक ऑक्सीजन का एटम होता है और दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं. ऑक्सीजन के एटम की दोनों साइड्स पर हाइड्रोजन एटम मौजूद होता है. स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. So this water is naturally present in the form of rain water, ground water, river water and sea water. Rain water is the purest water. लेकिन जब rain water ज़मीन पर आ रहा होता है तो ये एयर में मौजूद गैसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है और इसी के साथ साथ स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स भी इसमें ऐड हो जाते हैं. तो जब ये रेन वाटर डिसॉल्व गैसेस और स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स के साथ ज़मीन पर गिरता है तो इसमें क्ले और बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ शामिल हो जाती हैं. फिर ये पानी बहता हुआ दरियाओं में और फिर समंदर में गिरता है. रिवर्स से इस पानी को ट्रीट करके हमारे घरों, फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है जहाँ हम इससे अपने बहुत सारे काम करते हैं. और जो वेस्ट वाटर हमारे घरों, फैक्ट्रियों से निकलता है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और इम्प्योरिटीज़ शामिल हो जाती हैं जो कि बहुत हार्मफुल होता है. और फिर ये पानी जाकर समंदर में गिर जाता है. तो इसीलिए समंदर के पानी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़, यानी कि बैक्टीरिया और दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस शामिल होते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं. स्टूडेंट्स, हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताते हैं. आप तो सब लोग जानते हैं मछलियाँ, फिशेस पानी में रहती हैं. और वो पानी में कैसे सांस लेती हैं? क्योंकि पानी के अंदर डिसॉल्व्ड गैसेस यानी कि ऑक्सीजन मौजूद होती है. तो इसी डिसॉल्व ऑक्सीजन की वजह से फिशेस पानी में सांस ले सकती हैं और ज़िंदा रहती हैं. स्टूडेंट्स, आप सब लोग जानते हैं पानी हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और ये हमारी लाइफ में हर जगह इस्तेमाल हो रहा होता है. तो क्या पानी दुनिया से ख़त्म नहीं होता? नहीं, वाटर साइकिल के थ्रू ये पानी कंटिन्यूसली रिसाइकल होकर अर्थ में ऐड होता रहता है, जिसकी वजह से इसकी सप्लाई कभी भी ख़त्म नहीं होती. तो आइए हम एक पिक्चर के थ्रू इस वाटर साइकिल को समझते हैं. जब सनलाइट ज़मीन पर मौजूद पानी, मींस सी वाटर और रिवर वाटर पर पड़ती हैं, तो वो लिक्विड वाटर कन्वर्ट हो जाता है गैशियस स्टेट में, जिसे हम कहते हैं वेपर्स. लिक्विड वाटर का गैशियस वाटर में कन्वर्ट हो जाना, यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एवेपोरेशन. एवेपोरेशन के प्रोसेस के बाद ये वेपर्स दोबारा से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन, और बना देते हैं क्लाउड्स. फिर क्लाउड से ये पानी या तो रेन यानी कि बारिश की शक्ल में, या फिर स्नो यानी कि बर्फ़ की शक्ल में ज़मीन पर आ जाता है. बादलों से बारिश या फिर बर्फ़ का गिरना, इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रेसिपिटेशन. ये बारिश का पानी दोबारा डिसॉल्व मिनरल्स के साथ ज़मीन पर आता है और दरियाओं में जाकर गिरता है. दरिया से पानी ये जाता है समंदरों में, फिर वो पानी एवेपोरेट होके दोबारा से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं वाटर साइकिल. तो आइए अब हम प्योर वाटर की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं. स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता दूं. वो वाटर जिसमें कोई मिनरल नहीं होता, वो बिल्कुल प्योर होता है, उस वाटर को हम कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर. तो आइए अब हम प्योर वाटर की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं. नंबर 1, प्योर वाटर हैज़ नो कलर, टेस्ट एंड स्मेल.
प्योर वाटर का कोई कलर नहीं होता, ना ही उसका कोई टेस्ट होता है और ना ही उसकी कोई स्मेल होती है. इट फ्रीजेज एट 0 degrees Celsius. 0 degree पर वो बर्फ बन जाता है. एंड इट बॉयल्स एट 100 degrees Celsius. और 100 degree पर पहुँचने पर वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है. इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट यानी कि पास नहीं करता. ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. इट इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट, यानी ये अपने अंदर ऑलमोस्ट दुनिया में मौजूद काफ़ी सारी चीज़ों को डिज़ोल्व कर लेता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं गुड सॉल्वेंट. और ये बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ आसानी से रिएक्शन दे देता है, उनके साथ रिएक्ट कर लेता है. नाउ लेट्स सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाटर आर देयर. देयर आर 2 types ऑफ वाटर. नंबर 1 सॉफ्ट वाटर एंड नंबर 2 हार्ड वाटर. द वाटर विच कंटेन्स नो मिनरल्स और वेरी लिटल अमाउंट ऑफ मिनरल्स इज़ नोन एज सॉफ्ट वाटर. एंड द वाटर विच कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड अदर केमिकल सब्सटेंसेस इज़ नोन एज हार्ड वाटर. जब आप सॉफ्ट वाटर से अपना हैंड वॉश करते हैं तो इट फॉर्म्स लदर वेरी ईजिली, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं. एंड हार्ड वाटर डज नॉट फॉर्म लदर विद सोप ईजिली बिकॉज ऑफ द डिजॉल्व केमिकल सब्सटेंसेस, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में भी देख रहे हैं कि हार्ड वाटर से लदर अच्छा नहीं बन रहा, जबकि सॉफ्ट वाटर से बहुत अच्छा सा लदर बना है. हार्ड वाटर हैज़ अ प्लीजेंट टेस्ट. इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, फॉर स्पेशली फॉर टीथ एंड बोन्स बिकॉज ऑफ द डिजॉल्व कैल्शियम कंपाउंड्स. स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आपने देखा कि हार्ड वाटर के कुछ एडवांटेजेस भी हैं कि इससे हमारे टीथ, हमारे बोन्स अच्छी होती हैं और इसका टेस्ट भी अच्छा होता है. लेकिन इसके एडवांटेजेस होने के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. सबसे पहला डिसएडवांटेज, स्केल्स बिल्ड अप इन पाइप्स, यानी कि जब हार्ड वाटर को यूज़ किया जाता है तो जो पाइप्स होते हैं उनमें स्केल्स बन जाते हैं, जैसे यहाँ पे इस आप डायग्राम में भी देख सकते हैं. यानी कि हार्ड वाटर को यूज़ करने से आपके पाइप्स ख़राब हो जाते हैं. और कभी कभार जब केमिकल सब्सटेंसेस की क्वांटिटी हार्ड वाटर में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता. और जब हार्ड वाटर को यूज़ करते हुए आप अपने बर्तनों को धोते हैं तो वो बर्तनों पे आपके पास निशान रह जाते हैं. इसी तरह जब आप उसी हार्ड वाटर से अपने कपड़ों को धोते हैं तो कपड़ों का कलर जो है वो ख़राब हो जाता है, वो डल लगते हैं. तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि वाटर की 2 types होती हैं, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर. क्योंकि जो हार्ड वाटर होता है इसमें जो केमिकल सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं इन्हें हम कहते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर. तो पानी के अंदर ये जो हार्डनेस है वो कितनी तरह की होती हैं? सो देयर आर 2 types ऑफ हार्डनेस, टेम्प्ररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस. द हार्डनेस विच इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ नोन एज टेम्प्ररी हार्डनेस. और टेम्प्ररी हार्डनेस को हम रिमूव कर सकते हैं किसके थ्रू? हम उस पानी को बॉयल करते हैं. जब उस पानी को बॉयल करेंगे तो होगा क्या, ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है बॉयल करने पर ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट पर. और कैल्शियम कार्बोनेट पानी में डिसॉल्व नहीं होता तो ये बर्तनों के साइड पर चिपक जाएगा या नीचे बैठ जाएगा, जिसकी वजह से पानी कैसा हो जाएगा, वो हार्डनेस से क्लियर हो जाएगा. मीन्स उसमें से हार्डनेस रिमूव हो जाएंगी. एंड द हार्डनेस विच इज़ कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड सल्फेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज़ नोन एज परमानेंट हार्डनेस. जब हम ऐसा पानी जिसमें परमानेंट हार्डनेस मौजूद हो के साथ सोप का यूज़ करते हैं तो ये केमिकल सब्सटेंसेस यानी कि सल्फेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम उस सोप के साथ रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल कंपाउंड सब्सटेंस बनाते हैं जिसे हम कहते हैं स्कम. ये स्कम जो है वो पानी की सरफेस पर फ्लोट करता रहता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर सोप का यूज़ ज़्यादा करना पड़ता है. सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, वेयर डज दिस हार्डनेस इन वाटर कम्स फ्रॉम. When rain water falls onto the ground, it dissolves carbon dioxide from the atmosphere and form a weak acidic solution which is known as carbonic acid. अब ये बारिश का पानी जो कि थोड़ा सा एसिडिक हो चुका है, क्यों? क्योंकि उसमें कार्बोनिक एसिड बन चुका है कार्बन डाइऑक्साइड के डिसॉल्व होने की वजह से. जब लाइमस्टोन यानी कि चूने के पत्थर पर गिरता है
और चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो ये कार्बोनिक एसिड उस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर लेता है और बना देता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। इस तरह बारिश का पानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के डिज़ोल्व होने की वजह से हार्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये पानी बहता हुआ दरिया और तालाबों में आता है, जहाँ से इस पानी को ट्रीट करके हमारे घरों और फैक्ट्रीज तक भेज दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स समराइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। टुडे वी हैव लर्न दैट व्हाट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला इज H2O. We have also learned that how water is being added and recycled in the water cycle. We have also learned about the properties of pure water and the types of water. There are two types of water, hard water and soft water. We have also discussed about the hardness. Temporary hardness can be removed, permanent hardness cannot be removed. And in the last, we have discussed that from where does this hardness come. Thank you so much, students. Please subscribe SSCA YouTube channel and get notifications for uploaded lectures. And don't forget to press the like button. Take care of yourself and your family. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.